सत्कार योग सत्संग योग वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अमृत के सवैयों में अंतिम सवैये पर विचार साझे करते हैं। इस सवैये में महाराज ने मनुखों को सलाह दी है कि व्यर्थ के कामों में अपना समय न गवाते हुए प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। सवैया कुछ इस प्रकार है, काहुले पाहन पूज धर्यो सिर, काहुले लिंग गरे लटकायो, काहु लख्यो हरि आवाची दिशा में, काहू पचाह को शीस निवायो, को भूतान को पूजत है पशु, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया और जियो सभी जग, श्री भगवान को भेद न पायो, कूर क्रिया और जियो सभी जग, श्री भगवान को भेद न पायो। महाराज कहते हैं, काहुले पाहन पूज धर्यो सिर, काहुले लिंग करे लटकाए। हिंदू धर्म में लोग पत्थर की एक मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिसे शालग्राम कहते हैं। शालग्राम नाम की मूर्ति मनुख हमेशा अपने पास सुरक्षित रखता है। महाराज उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, काहुले पाहन पूज धर्यो सिर, काहे उस पत्थर को अपने सिर पर ढोते हो, काहुले लिंग गरे लटका। कल दास ने आप जी से विचार साझे किए थे, हिंदू में कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो शिवलिंग को हमेशा अपने शरीर के साथ रखते हैं, गले में लटकाए रखते हैं। काहू ने पाहन पूज धर्यो सिर, काहू ने लिंग गरे लटकाए, काहू लख्यो हरि आवाची दिशा में, काहू पछाह को शीश निवाय। कुछ ऐसे मनमती होते हैं जो दक्षिण में अपना मुख रखकर आराधना करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। हिंदू धर्म में दक्षिणाभिमुखी हनुमान का बहुत महत्व होता है। जिस हनुमान का मुख दक्षिण की ओर हो वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी प्रकार कुछ मत वाले दक्षिण की ओर अपना मुख रखकर आराधना करते हैं, काहू लख्यो हरि आवाची दिशा में, आवाची कहते हैं दक्षिण को, दक्षिण में प्रभु हरि को देखने की कल्पना करते हुए कुछ आराधना करते हैं, काहू लख्यो हरि आवाची दिशा में, काहू पच्छाह को शीश निवाय। को कुछ ऐसे भी मत वाले होते हैं जो पश्चिम की ओर मुख रखकर आराधना करते हैं। पश्चिम में उनकी मान्यता होती है कि सूर्योदय होता है। काहू लख्यो हरि आवाची दिशा में, काहू पछाह को शीश निवाय। को भूतान को पूजते हैं पशु। कुछ ऐसे मत वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे मती भी होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं जो बुद्ध को, मूर्ति को ही परमेश्वर मानते हैं। को भूतान को पूजते हैं बुद्ध, बुद्ध अर्थात मूर्ति। को भूतान को पूजते हैं पशु, को मृतान को पूजन धाय,
कुछ ऐसे होते हैं जो कब्रों पर, किसी की कब्र होती है उस पर अपने इष्ट मानते हुए पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। को भूतान को पूजत हैं पशु, को उम्रतान को पूजन भायो। महाराज कहते हैं ये पशु के समान है जो भूतों की पूजा करते हैं, जो कब्रों के पास जाकर आराधना करते हैं, किसी के मृत शरीर की जो कब्र बनी होती है वहां पूजा करते हैं। को भूतान को पूजत है पशु, को मृतान को पूजन भायो। कूर क्रिया रजोर सभी जन, कूर कहते हैं झूठ को। महाराज कहते हैं कूर क्रिया उर्जियो सभी जन, ये सारा संसार जिसमें मनमति झूठी क्रियाओं में उलझ कर रह गए हैं। को कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पाए, ऐसा करने वाले में से किसी ने भी भगवान प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त नहीं की। सवैया एक बार फिर, काहूले पाहन पूजा धरियो सिर, काहूले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हरि अवाची दिशा में, काहू पचाह को शीश निवायो। को भूतान को पूजत है पशु, को मृतान को पूजन धायो। कूर क्रिया और हो सभी जग श्री भगवान को भेद ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अमृत के सवैयों में, अंतिम सवैये में ये घोषणा करते हैं कि ऐसे आडंबर करने से प्रभु प्राप्ति संभव नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। परमात्मा को सच्चे मन से उसके बताए हुए मार्ग पर आचरण करते हुए, जीवन यापन करते हुए यदि कोई प्रभु की भक्ति सच्चे मन से, पूरे प्रेम भक्ति से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है, वरना 84 लाख योनियों में उसका आवागमन चलता ही रहता है। सत्संगियों, इस सवैये के साथ ही अमृत के सवैये 10 पूरे हुए हैं,